हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक इन आवर अनदर ब्लॉग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और मैं हूँ अभी रेलवे स्टेशन जुरूडी में और अभी हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं ट्रेन का। और ये देखिए, ये बैठ के मोबाइल चला रहे हैं। और आज सुबह उठे तो पता चल रहा कि ठंड इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, घर में रह के पता भी नहीं चल रहा था। और ये मेरे को बोल रहा है कि आप तो मेरे को छोड़ के जा रही हो ना। ठीक है ठीक है, तो क्या करें, ये तो कल ही आ जाएंगे, वैसे भी तो हम एक दिन पहले जा रहे हैं क्योंकि कुछ काम है। तो ये बार बार देख रहे हैं कि ट्रेन कहाँ पे है, कहाँ पहुँचा। हम लोग 4 बजे से वेट कर रहे हैं, 4:30 बज चुका है पर ट्रेन का अभी तक पता नहीं है। फोन का कैमरा और अब फाइनली मैं आ गई ट्रेन के अंदर और मेरा सीट नंबर है UB 32, वो भी अप में। और अब चले हम सोने को क्योंकि सुबह जल्दी उठ गए थे। तो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं चाईबासा और ट्रेन काफ़ी लेट था। यहाँ चाईबासा पहुंचना था 6:30 बजे जैसे और पहुंचे हैं 9 बजे। मौसी के यहाँ जा रहे हैं, थोड़ी देर वहाँ रेस्ट करेंगे, थोड़ा नाश्ता वगैरह करेंगे, उसके बाद निकलेंगे रांची के लिए। मौसी रहेगी 10:30 बजे तक घर में, फिर वो भी निकल जाएगी ड्यूटी, तो साथ साथ में हम भी निकल जाएंगे, चले जाएंगे बस स्टैंड और उसके बाद डायरेक्ट रांची। अब ऑटो मेरे को मिल चुका है और यहाँ 10 मिनट पहुँच गए और बहुत ज़ोर का भूख भी लगा है मेरे को। तो जाते जाते खाना खाएंगे। ऑटो का भंडार ठीक है, मोस्ट जाइए तब। हाँ ठीक है, तो मेरे को सीट मिला है यहाँ पे 4 नंबर। मुझे सीट तो मिला है विंडो साइड में पर अभी यहाँ पे रिसेंटली धूप पड़ रहा है, तो चलेगा तब पता चलेगा कि धूप इस साइड रहेगा या फिर इस साइड रहेगा डायरेक्शन के हिसाब से। फिर पता चला इधर भी खाली है, इस साइड सीट लेनी है तो इस साइड से धूप आएगा। अब जैसे है वैसे ही चलते हैं, थोड़ा देर झेलना पड़ेगा, कोई बात नहीं। कर्टेन है, कर्टेन को नीचे कर लेंगे। मेरा पास आता नहीं है। तो फाइनली हम घर पहुंच गए। बहुत ज़्यादा थक गए, बहुत हैट्रिक डे था आज मेरे लिए। और हम तो जैसे ही बस से उतरे, टुकदाना से ऑटो लिए और डायरेक्ट मम्मी का ऑफिस चले गए क्योंकि मम्मी मेरे को बोली कि कुछ सामान लेके जाना है तो अकेले मेरे को लेने नहीं बनेगा। तो रोहन इसलिए मेरे को लेने के लिए आया था डोरंडा चौक। फिर वहाँ से हम लोग मम्मी के ऑफिस गए, वहाँ पे वो बर्तन रखने वाला स्टैंड देखी थी तो वही वहाँ से ली। फिर हम स्कूटी में साइड से पकड़े और वो घर लेकर के आए। तो आने के बाद मतलब सुबह का मैं तो 10 बजे खाई थी ना नाश्ता वगैरह, 10 बजे करके मौसी के घर से निकले, उसके बाद से कुछ भी नहीं खाए थे हम। बस में कुछ
लेके भी नहीं बैठे थे कि कुछ केक वगैरह खा ले, बहुत ज़्यादा भूख लगा था, भूख की वजह से मेरा हेड भी पेन करने लगा शायद। तो अभी हम ले आए हैं हमर रोहन कबाब रोल, अभी आराम से बैठ के रोल खाएंगे, फिर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, तब तक मम्मी आ जाएगी। और फ्रेंड्स, मेरे को घर पहुंचने में लगा है 4:30 बजे हम घर पहुंचे हैं, मतलब हम 3:30 बजे टुकुताना चौक उतर गए थे, फिर ऑटो वगैरह से आने में ही आधा घंटा तो मम्मी को ऑफिस तक जाने में ही लग गया, फिर इधर तो जल्दी हो गया, इधर ज़्यादा टाइम नहीं लगा था हम लोग को। तो ठीक है, अब मिलते हैं आपसे रोल खाने के बाद।